11 तारीख से मेंस के एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहे हैं हाँ, मलोट। और नहीं, ये मुकदमा कब लगा ये हुआ है, 12 तारीख को मलोट, 12 मार्च क्या कर को सकते हैं? मलोट। आपकी कंसेंट हो, दोनों को प्रीपोन कर लेते हैं, 7 तारीख को सुन लेते हैं, पर्सनल तो बुला लीजिए ना, 7 तारीख को बुला लीजिए। हाँ, अब 11 तारीख को पर्चा शुरू हो जाएगा, तो फिर क्या करेंगे आपका बुलाकर? 7 तारीख को बुला लीजिए, उसको डेट प्रीपोन कर देते हैं, पासवर्ड में आ जाइए पूछ के, 6-7 जो आपको सुविधा हो वो डेट रख देंगे आपकी। क्योंकि प्राइमा फेसी दिखाई दे रहा है कि आपका एक्सपर्ट जो है, कितने एक्सपर्ट है, सवाल पूछते हैं विलियम बेंटिक का, किताब में लिखा हुआ है मेटकाफ का, और आप बोलते हैं सवाल में पढ़ा जाए मेटकाफ को, ये लिखा था ना आपने, सर आई विल इतने मेक श्योर होशियार हैं दैट आपके एक्सपर्ट। एक्चुअली बेस्ड ऑन व्हाट द एनसीईआरटी मॉड्यूल्स वेयर इन स्टेटेड दैट विलियम फिर बेंटिक आपने क्यों महाजन साहब की किताब लगाई थी? सर आपका एक्सपर्ट ने जो ओपिनियन ली, नाउ यू कैन नॉट रिगल आउट ऑफ इट, योर एक्सपर्ट एनक्लोज्ड बुक ऑफ मिस्टर महाजन, ठीक है, उसमें बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि मेटकाफ ने 1835 में प्रेस का लिबरलाइजेशन किया। So the next page was also written that वो Bentinck. So there was an तो overlapping period because they both were in 1935. मतलब इवन तो आई क्वेश्चन इज रॉन्ग, ये बोथ फॉर इन 1819 ही 1835 है, 1835. आपने पीएससी का इम्तिहान कभी दिया नहीं लगता है। यह वीडियो हाई कोर्ट में सोमवार को एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 के विवादित 3 प्रश्नों पर सुनवाई का है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रीलिम्स 2023 में 3 गलत प्रश्नों पर हाई कोर्ट ने आयोग को जमकर फटकार लगाई है। साथ ही हाई कोर्ट द्वारा मुख्य परीक्षा के पहले सुनवाई करने पर आयोग ने आनाकानी की, जिस पर हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि आपके एक्सपर्ट की विशेषज्ञता तो पहले ही प्री के प्रश्नों में दिख गई है, अब आपके दिए तर्क भी उल्टे हैं। आगे जस्टिस ने आयोग के अधिवक्ता से कहा, आप मेटकाफ के सवाल को विलियम बेंटिंक से जोड़ रहे हैं और आपने जो किताब पेश की उसमें साफ लिखा है कि मेटकाफ ने 1835 में प्रेस का उदारीकरण किया। सवाल में मेटकाफ को लिखा गया है, अब आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि इस सवाल को विलियम बेंटिंक नहीं मेटकाफ समझकर जवाब दिया जाए। हाई कोर्ट ने जिस तरह से आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठाए उससे प्री के 3 सवालों पर परेशानी बढ़ गई है। इन सवालों से 6 अंक निकल कर आते हैं, यानी प्री 2023 के पूरे रिजल्ट में बड़ा उलटफेर हो सकता है। 11 मार्च से लेकर 16 मार्च तक एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा होनी है, वहीं 12 मार्च को प्रीलिम्स के 3 विवादित प्रश्नों पर हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी। अभ्यर्थियों के लिए परेशानी की बात यह है कि परीक्षा 11 मार्च से शुरू होनी है, जिससे वह मुख्य परीक्षा से वंचित हो सकते हैं। ऐसे में याचिकाकर्ता उम्मीदवार हाई कोर्ट में गुहार लगा रहे हैं। याचिकाकर्ता के वकील अंशुल तिवारी ने जबलपुर हाई कोर्ट में कहा कि जो याचिकाकर्ता कोर्ट में उपस्थित नहीं है उनको ध्यान में रखकर एमपीपीएससी प्री के इन 3 प्रश्नों पर बात होनी चाहिए। अधिवक्ता ने आगे कहा कि 12 मार्च को केस लिस्टेड है लेकिन मेंस 11 मार्च से है, ऐसे में जस्टिस विवेक अग्रवाल ने अभ्यर्थियों को राहत देते हुए केस की सुनवाई 7 मार्च को कराने का फैसला किया है। साथ ही ये भी कहा है कि मेंस शुरू होने के बाद सुनवाई करने का कोई मतलब नहीं है। अगर हाई कोर्ट ने इन सवालों को खारिज किया तो फिर प्री के रिजल्ट को रिवाइज्ड करने के अलावा आयोग के पास कोई विकल्प नहीं होगा। हालांकि उन अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है जिन्होंने आज प्रश्न पत्र पर आपत्ति जताई थी, उन्हें भी मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति हाई कोर्ट ने दी है। खास बात यह है कि फैसला आने के बाद उन सभी को लाभ होगा जो प्रीलिम्स में शामिल हुए थे। ऐसे में मेंस की तारीखों पर एक बार फिर से असमंजस के बादल मंडरा रहे हैं। बात करें अगर एमपीपीएससी की तो 5 सालों से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी गई थी, अब एक बार फिर एमपीपीएससी 2023 की परीक्षा कोर्ट में पहुंच चुकी है। लगातार 5 सालों से एमपीपीएससी की लापरवाही के कारण युवाओं का भविष्य तबाह हो रहा है। पहले तो 2019 के वो बच्चे जो 21 वर्ष के थे आज 26 वर्ष के हो चुके हैं और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। वहीं एक बार फिर से एमपीपीएससी की बड़ी लापरवाही के कारण हजारों छात्रों का एक और साल खराब हो सकता है। साल 2021 की राज्य सेवा परीक्षा में यही हुआ था, जिस पर आज तक कोई फैसला नहीं आया है।